पोखरण, यदि आप भी अपने स्मार्टफोन में भिडमेट एप्लीकेशन को रखे हैं, यदि भिडमेट एप्लीकेशन से किसी वीडियो को डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उसको यदि आप प्ले करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आज इस प्रॉब्लम का 100% सलूशन इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपको कोई भी ट्रिक आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्त, ये प्ले इट जो वीडियो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, दोस्त ये वाला प्रॉब्लम का 100% सलूशन इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा। सबसे आप देख सकते हो, जैसे आप किसी भी वीडियो को अपने भिडमेट एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करते हो और वो वीडियो को जैसे ही आप प्ले करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आता है। तो दोस्त इस प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में दोस्त हम आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के ऑन कर लीजिए ताकि इस टाइप का लेटेस्ट वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। सो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने भिडमेट एप्लीकेशन को ओपन करनी होगी। ओपन करने के बाद दोस्त हम आपको यहाँ से जो भी आपको टिप्स बताएंगे उसको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा, 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने भिडमेट एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन करने के बाद दोस्त आप देख सकते हो यहाँ जो मी वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगी। यहाँ दोस्त सबसे पहले यहाँ सेटिंग वाले आपको आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगी। तो यहाँ डाउनलोड वाला जो आपको दूसरे नंबर पे ये वाला आइकन दिख रहा है इस पर दोस्त आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पेज को दोस्त ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद नीचे में दोस्त आप ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर आप नीचे में देख सकते हो, ये स्मार्ट मॉक्स वाला ये जो आइकन देख रहे हो, इस आइकन को दोस्त ये इनेबल था पहले, इसको डिजेबल करना है, इसको ऑफ करना है। यहाँ से दोस्त इसको आपको कंफर्म करके ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद दोस्त यहाँ से फिर से आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्त फिर से और आपको बैक जाना है। उसके बाद दोस्त यहाँ जो अपडेट वाला आइकन देख रहे हो आप, इस आइकन पे दोस्त आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन को अपडेट कर देना। हम इसको ऑलरेडी अभी जस्ट कुछ सेकेंड पहले अपडेट किया हो, आप इसको अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद दोस्त यहाँ से आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्त अपने फ़ोन के सेटिंग में आना है और उसके बाद दोस्त यहाँ आपको जाना है एप्लीकेशन वाले मेन्यू में, ऐप मैनेजमेंट में। चलिए दोस्त इसको स्क्रॉल करके यहाँ जो आपको आइकन दिख रहा है ऐप मैनेजमेंट का, इसको दोस्त आपको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ से दोस्त आप जो ऐप लिस्ट देख रहे हो इस लिस्ट वाले आइकन पे दोस्त आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगी। यहाँ दोस्त आपको भिडमेट सर्च करना है। तो चलिए दोस्त हम इस पेज को स्क्रॉल करके इस भिडमेट वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगी। तो आप देख सकते हो दोस्त, ये स्टोरेज यूजेज जो आप यहाँ ये वाला जो आइकन देख रहे हो इस वाले आइकन पे दोस्त आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त आप देख सकते हो यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सबसे नीचे दोस्त ये क्लियर चेस वाला जो आपका आइकन देख रहा है, इस क्लियर चेस वाले आइकन पे दोस्त आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त आप देख सकते हो इसको ऑल टू ऑल क्लियर कर देना है। उसके बाद दोस्त यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्त आप जो भी अपने इस भिडमेट एप्लीकेशन से वीडियो आप डाउनलोड कीजिएगा उसको 100% आप दोस्त यहाँ से इस प्ले इट वाले वीडियो वाले सेक्शन में नहीं जाएगा। 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आप चाहे तो अपने यूट्यूब से भिडमेट के थ्रू किसी वीडियो को डाउनलोड करके अपने काइन मास्टर के थ्रू एडिट भी अब कर सकते हो। सो फ्रेंड, अपने भिडमेट से किसी वीडियो को डाउनलोड करके आप देख सकते हो 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और ये ट्रिक यदि आप लोग को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के ऑन कर लीजिए ताकि मैं अपने चैनल पर इस टाइप का लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। तो आज की वीडियो के लिए दोस्त यहीं तक, तब तक के लिए दोस्त गुड बाय।